कि जब यू सी यू नो रेन फॉलिंग या फिर जब आप बारिश देखते हो तो आर देर सम थिंग्स जो कि यू you नो know, आपके दिमाग में एकदम से आती है वेनएवर यू हियर द वर्ड रेन और या फिर ये बहुत नॉर्मल है आपको कुछ भी ऐसा एक्साइटिंग सा फील नहीं होता सो आई थिंक एवरी वन हैज समथिंग यू नो जो कि उनके दिमाग में आ जाता है वेनएवर द हीओ दर्ड रेन फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को बारिश जो है वो इस चीज़ से याद आती है कि जब भी बारिश होती है भाई स्कूल की छुट्टी मिल जाती है अगर बहुत तेज बारिश होती है तो ठीक है किसी के लिए ये वर्ड रेन बहुत ज्यादा एक्साइटेड एक्साइटिंग साउंड करता है क्योंकि बारिश के टाइम पे यू you नो know, बिल्कुल अपने विंडो के साइड पे बैठना विथ यू नो अ हॉट चॉकलेट इन दी हैंड और विथ यू नो अ मग ऑफ कॉफी या आपको यू you नो know, अदरक वाली चाय बड़ी पसंद हो तो वो अगर हाथ में हो तो रेन को यू नो एक्सपीरियंस करना अपने घर में बैठ के यू नो सिटिंग ऑन द साइड ऑफ द विंडो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है और कुछ लोगों को जब भी बारिश होती है भली तेज़ बारिश हो या धीरे बारिश हो दे जस लव टू टेक बाथ इन रेन तो ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं जो लोगों को बड़ी पसंद है और एक और चीज तो हम भूल ही गए वो है बारिश में गर्मा गर्म पकोड़े खाने का राइट तो रेन जो है ना दिस इज नॉट इन वर्ड इट इज एन इमोशन कि जब भी हम बारिश वर्ड सुनते हैं या रेन वर्ड सुनते हैं तो कुछ ना कुछ एक्साइटिंग हमारे दिमाग में जरूर आता है सेम वे में जो हमारे पोएट हैं कॉटस किनी उनके दिमाग में क्या चीजें आती हैं जब भी वो रेन को एक्सपीरियंस करते हैं या फिर जो रेन बारिश उनकी छत पे पड़ रही है घर के दैट इज रेन ऑन द रूफ उसकी वजह से क्या होता है हम अपने रूम में बैठ के वो जो साउंड है रेन का वो सुन सकते हैं कि बारिश की बूंदें गिर रही है हमारी छत पर तो वो जो साउंड है दैट इज द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ उसकी वजह से पोएट के दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती हैं क्या यू you नो know, उनकी मेमोरीज आ जाती हैं उनके दिमाग में क्या उनके फीलिंग्स हैं इज़ ही एक्साइटेड व्हाट इज दैट एक्साइट्स हिम अबाउट द रेन वो सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर पोयम में पढ़ने वाले हैं सो इन दिस पोयम पोएट फर्स्ट ऑफ ऑल टेल्स यू कि उनको बहुत अच्छा लगता है और उनको लगता है कि ये एक ब्लेसिंग है कि जब भी वो अपने रूम में बैठ के इस फॉलिंग रेन के साउंड को सुनते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है कि वो अपने रूम पे पिलो पे हैं सो रहे हैं और वो जो रेन का साउंड है और रेन में टाइम पे हमें बहुत ही प्यारी सी नींद आती है अंडरस्टैंड you know, अच्छा लगता है और हमें उसकी आवाज आए सेम थिंग विद पोएट कि उनको भी ये चीज बहुत अच्छी लगती है ही सेज दैट इट इज अ ब्लेस इट इज अ ब्लेसिंग फॉर हिम टू यू नो जस्ट प्रेस अगेंस्ट दिलो सोना और दर जो है वो बारिश की आवाज उनको सुनाई दे ऑल्सो ये जो रेन है वो उनकी मेमरीज़ को वापस ले आता है कि जब वो छोटे थे तो उनकी जो मदर हैं वो क्या करती थी इनको सुलाती थी बहुत प्यार से और उनको उठाती नहीं थी उनको ड्रीम्स देखने देती थी डिस्टर्ब नहीं करती थी और वो ये चीज़ जो है याद करते हैं कि जब भी उन्होंने बारिश होती है तो उनको उनकी मदर की याद आ जाती है बिकॉज द टाइम वो जब ये पोयम लिख रहे हैं दैट टाइम हिज मदर हैज यू नो लेफ्ट द वर्ल्ड एंड शी इज नो मोर विद द पोएट तो उनको वो मेमोरीज याद आ जाती है उनको यू you नो know, अपनी मदर के बारे में याद आ जाता है जब भी वो रेन की आवाज या बारिश को यू you नो know, देखते हैं या फिर रेन फॉलिंग ऑन द रूफ को एक्सपीरियंस करते हैं सो दिस इज हाउ ही इज जस्ट टेलिंग अस हिज एक्सपीरियंस कि व्हाट इज दैट ही फील्स यू नो व्हेनेवर ही इज रेन व्हेनेवर ही इज एबल टू लिसन टू द

ऑफ़ द रेन यानी जब भी बारिश होती है जब भी वर्ड रेन आता है या फिर वो साउंड सुनता है तो उनके दिमाग में क्या आता है वॉट इज दैट ही एक्सपीरियंसिस इमेजन ऑन यू नो क्या वो मेमोरीज़ हैं जो वापस आ जाती हैं दोज आर थिंग्स जो आज हम पढ़ेंगे द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस ब्रिंग्स बैक स्वीट मेमरीज Of the past. तो उनकी जो भी मेमोरीज रही हैं पास्ट में जो उनको कब याद आती हैं जब भी वो ये सुनते हैं क्योंकि हमारे छत पे जब भी बारिश बहुत तेज होती है तो एक पर्टिकुलर साउंड होता है जो कि आप यू नो सॉर्ट ऑफ आपको समझ आ रहा होगा कि हम किसकी बात करें उस बारिश का जो साउंड है दैट इज समथिंग जो की पोएट को कुछ चीजें याद दिलाता है दैट ब्रिंग्स मेमोरीज बैक एंड दैट इज समिंग हीज टोल्डर इन हिज क्लियर सो वील रीड नाउ द वेरी फर्स्ट स्टंसा अब ये जो स्टंसा है वो एट लाइंस का है सो वी हैव ब्रोकन इट इनटू फोर फोर लाइंस सो दैट हम बहुत इजीली इसको समझ पाए क्लियर सो जो फर्स्ट पार्ट है ऑफ द वेरी फर्स्ट स्टंसा दैट सेज

Hoover. Hoover का मतलब क्या होता है मूव अराउंड समथिंग तो बोल रहे हैं यहाँ पे पोइट ह्यूमिड शेडोज यानी कि जो ब्लैक क्लाउड हैं। यू नो जब भी हम घर में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी तो कैसे करते हैं तो हमें या तो हमारी मम्मा या फिर यू you know, नो कोई ना कोई घर में बोलता है कि आज काले बादल दिख रहे हैं इसका मतलब बारिश होगी इसका मतलब ब्लैक क्लाउड्स इफ यू सी देन इट मींस इट्स गोइंग टू रेन सो हेयर द पोएट इज टेलिंग यू मीन इंग ब्लैक क्लाउड होवर यानी कि दे मूव अराउंड इन द स्काई इट मीन्स क्या है वो वहां पे बारिश होने वाली है नाउ नो इट इज कॉल्ड ह्यूमिड क्योंकि ये ब्लैक क्लाउड्स जो है इट्स फुल ऑफ वाटर

ठीक है यानी कि बहुत ज्यादा जो सैड डार्कनेस है यानी नाइट की बात हो रही है तो जो अंधेरा है जो कि सैड है या जो सैड माहौल है जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स तो ऐसा लगता है जैसे कि अब ये आंसू बह रहे हैं कहाँ से स्काय से दैट इज द स्काई इज शेडिंग टीयर्स तो ये जो रेन ड्रॉप्स हैं उनको टीयर्स से कंपेयर किया गया है कि जब भी ब्लैक क्लाउड आटा फिल्ड विथ वॉटर मूव कर रहे होते हैं अराउंड इन द स्काई विच इज कंप्लीटली फुल ऑफ स्टार्स तो ऐसा लगता है कि ये जो अंधेरा है दैट इज जो सैडनेस है द डार्कनेस है वो सडनली क्या होता है ये जो स्काई है इट इज शेडिंग टीयर्स तो ऐसा लगता है कि इतनी सैडनेस है कि जो स्काई है वो रो रहा है क्लियर तो बहुत इजी सी लाइंस हैं अगेन लेट्स रिवाइज इट तो यहां पे ह्यूमिड मतलब है डार्क क्लाउड्स ह्यूमिड शेडोज जो कि क्या कर रहे हैं घूम रहे हैं कहा पर इन द स्काई एंड द मेलिकली डार्कनेस जो सैड डार्कनेस है ऐसा लगता है कि जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स यानी कि स्काई जो है वो इतना सैड है कि जल्दी जो नो जेंटली यानी धीरे धीरे जो रेन ड्रॉप्स हैं वो सॉर्ट sort ऑफ of ऐसा लगता है कि स्काई इज क्राइंग यानी टीयर्स शेड कर रहा है क्लियर ऑल नेक्स्ट फोर लाइंस द पोएट सेज व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेर एंड लाई लिस्निंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेर तो यहां पर पोइट बोलते हैं कि वॉटर ब्लेस इट इज टू प्रेस द फिलो ब्लेस मीन हैप्पीनेस या फिर कह सकते हो इट इज असिंग क्लियर

happy feeling when we get the chance to press the pillow while it is raining outside. Of a cottage chamber bed. Cottage chamber मतलब the bedroom. यानी कि poet अपने bedroom की बात कर रहे हैं कि you know वो अपने room में जब bed पे सो रहे हैं pillow पे उन्होंने सर रखा है तो he's pressing the pillow. तो इस वक्त जब वो सो रहे हैं अपने bed पे और बाहर बारिश हो रही है this is something जो कि उनके लिए एक bliss है, एक blessing है, एक happy thing है. एंड लाई लिस्निंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड पैटर का मतलब क्या होता है साउंड ऑफ रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन द रूफ पोएट्री में एक लिटरी डिवाइस होती है जो हम डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो जो कि होता है ऑनोमटोपिया जब भी भी पोएट्रीज में अगर कोई साउंड बताने के लिए जो कि एक ड्रामेटिक वे दे वर्जन दे पोएम को क्या आप सुन पाओ कि हाँ भाई साउंड की बात हो रही है तो वो साउंड वर्ड्स का यूज करना होता है ऑनोमेटोपिया क्लियर तो वहाँ पे यहाँ पे भी पोइट ने क्या किया है ऐसे ही रेनड्रॉप्स के साउंड को बताया है पैटर यानी कि जब ड्रॉप्स जो है वो रूफ पे गिरती हैं छत पे गिरती हैं तो एक सॉर्ट ऑफ साउंड सुनाई देता है आपको तो वही सुनना बेड वेन पोइट इज इन इज लाइंग बेड और ये जो सॉफ्ट रेन है यानी धीरे-धीरे जो raindrops गिर रही हैं उसका जो साउंड है वो सुनना is something जो कि उनके लिए क्या है एक ब्लिस है Why it is said overhead, because उनके घर की छत पे गिर रही है तो ही इज स्लीपिंग और उनके सर के ऊपर जो है रूफ जहां पर है वहां पे क्या हो रही है बारिश की ड्रॉप्स जो है वो फॉल हो रही हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट वहां से जो साउंड है एंड दिस साउंड

थाउजेंड ड्रीमी फैंसी इन टू बिजी बींग स्टार्ट तो यहां पोइट बोलते हैं एवरी टिंकल ऑन द शिंग अब टिंकल क्या है शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड यानी कि अगेन एक वर्ड यूज किया है जो की एक साउंड वर्ड है तो यहाँ पोइट बोलते हैं कि हर एक जो एक साउंड है छोटा sort of sort of मोटा जो साउंड होता है वैसा साउंड को सुनाई दे रहा है ऑन द शिंगल्स आर रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज ऑन रूफ्स यानी कि जो छत पे यू नो इस तरीके के जो टाइल्स यूज होते हैं अगर आपने कभी देखा हो एटलीस्ट पिक्चर तो देखा ही होगा तो इनको कहते हैं शिंगल्स ये रेक्टेंगुलर टाइल्स होते हैं हैं और ये रूफ पे लगाए जाते हैं। तो जब भी जो जो पानी ड्रॉप्स हैं सॉरी वो जब भी फॉल करती हैं इस पे तो एक सॉर्ट ऑफ साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे उन्होंने कहा है टिंगल तो हर एक टिंगल जो साउंड होता है जब भी ड्रॉप्स शिंगल्स पे या टाइल्स पे पड़ती हैं रूफ पे पड़ती हैं ज एन इको इन द हार्ट तो उसकी वजह से पोएट को क्या लगता है कि उनके हार्ट में एक रिपीटिंग साउंड आता है इको आता है यानी कि वो साउंड जो है वो साउंड रिपीट होता है उनके हार्ट में तो हीन फील दैट साउंड a thousand dreamy fancies into busy being start. तो यहाँ पे busy being कौन है यहाँ पे पोएट हिमसेल्फ है या फिर बोल सकते हो यहाँ normally हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं और पर्टिकुलरली क्योंकि यहाँ पोएट खुद की बात कर रहे हैं तो बिजी बींग मतलब ये क्या है पोइट की बात हो रही है तो पोएट बोलते हैं एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज तो ऑल्सो ये साउंड तो रिपीट होता ही है उनके हार्ट में बट उसके अलावा जो एक इमेजिनेशन होते हैं जो ड्रीम्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं आना पोएट के पास तो पोएट इज सेइंग दैट वेन एवर देर आर दू नो रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ एंड विद एवरी टिंकल साउंड ही कैन हियर आफ्टर यू नो रेन ड्रॉप फॉल ऑन शिंगल्स दैट इज द टाइल्स ऑफ द रूफ that sound is repeated in his heart and also there are some imaginations, some fantasies some dreams which come or which you know the poet is able to experience and wahi cheez boli hai yahan par busy being start yani ki ye start ho jati hain dreamy fancies ana poet के पास clear तो ये जो sound है उससे क्या होता है वही वो बता रहे हैं done all right next four lines say And a thousand recollections weave their air threads

तो पोइट बोल रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस साउंड ही कैन यू नो जस्ट रिकलेक्ट सो मेनी मेमोरीज वीव देयर एयर थ्रेड्स इन टू वूव सॉर्ट ऑफ ऐसा लगता है एक एक मेमोरी जो है वो एक एक थ्रेड की तरह है जो कि वीव हो रही है एक साथ जुड़ती जा रही है

चिल्द जॉन तो यहाँ पे पोएट जो है अब उनकी एक सबसे ब्यूटिफुल मेमरी जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर तो उनकी मम्मा जो है उनकी मदर जो है वो उनकी मेमरी में आती है एज शी यूज इन ईयर्स अगोन जैसे कि उन्होंने you know, बहुत सालों पहले अगोन यानी कि जो जा चुके हैं साल बहुत सालों पहले वो क्या करती थी टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एरे एरे मीन्स ओल्ड पोइटिक वर्ड फॉर बिफोर एरे का मतलब होता है बिफोर शी लेव दिल द डॉन डॉन मीन्स क्या होता है डे ब्रेक जो फर्स्ट लाइट ऑफ द डे होती है उसको बोलते हैं डॉन यानी कि वो जो है पोएट बोल रहे हैं कि माय मदर जो है बहुत सालों पहले क्या होता था वेन एवर रेन यूज टू फॉल उनकी मम्मा क्या करती थी शी यूज टू मेक हिम गो टू स्लीप और वो जब यू नो सॉर्ट ऑफ ड्रीम्स देख रहे हैं यहाँ पे बात हो रही है डार्लिंग ड्रीमर्स की वो जो है जब भी ड्रीम्स भी देख रहे होते हैं उनके लिए क्या है उनके बेटे डार्लिंग है तो शी नेवर यूज टू डिस्टर्ब पोइट और वो उनको उनके ड्रीम्स देखने देती थी जब भी भी रेन ड्रॉप्स फॉल कर रही हैं या वो सो रहे हैं एरे शी लेफ्ट देम टिल डॉन बट अब यह चीज नहीं हो सकती है बिकॉज वो जो है शी इज नो मोर शी लेफ्ट क्लियर तो शी लेफ्टिल द डॉन यानी पोएट एंड शी वुकम टू कंटिन्यू टू सी हिज ड्रीम्स तो वो जो है अपनी मम्मा की मेमोरी को वापस रिकलेक्ट कर पा रहे हैं कि दीज रेन ड्रॉप ऑल्सो मेक हिम टू यू नो थिंक अबाउट हिज मदर हू यूज टू हेल्प हिम टू गो टू स्लीप एंड नेवर यूज टू डिस्टर्ब हेम एंड सी और यू नो थिंक अबाउट डिफरेंट ड्रीम्स जो कि उनके दिमाग में आते थे And this is something which continued to and she never kind of interrupted or disturbed her son. Clear? All right. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain. which is played upon the shingles by the patter of the rain. Now, as जो poet की mom है, she is no more there. तो वो बोलते हैं, oh, I feel her fond look on me. कि वो जिस तरीके से मुझे देखती थी, वो look जो है, मैं feel कर सकता हूँ. I can see it, और मैं वापस से उसके बारे में सोच सकता हूँ. As I list to this refrain, यहाँ list को आपको पढ़ना है, listen, clear? So as I listen, तो ये जो word है, this is an old poetic word for the word listen. So as I listen to this refrain, refrain एक

रूफ तो पोएट यहां पे यही बोल रहे हैं कि उनको अपनी मम्मी की मेमोरी आ जाती है ही इज़ रिमाइंडेड ऑफ़ हिज़ मदर हैदर देर रेन ड्रॉप्स यूज टू फॉल्ट हर मदर यूज टू मेक हिम गो टू स्लीप एंड यू नो शी नेवर यूज टू डिस्टर्ब हिम ही वॉज अ डार्लिंग ड्रीमर एंड दिस इज समथिंग जो बार बार उनके दिमाग में आता है As he listens repeatedly to this sound, that is the repeated sound of falling raindrops which are falling on the shingles, that is upon the roof. And this sound makes him, or you know, uh, makes him to again and again think about that look or think about her. मदर क्लियर तो यहां पर सबसे पहले तो उनके लिए क्या एक बहुत एक्साइटिंग चीज है वो बात हो गई है इज द ब्लिस फॉर हिम अंदर सोना यू नो और रेन ड्रॉप्स को सुनना और क्या मेमोरी आ जाती है उनके दिमाग में उनकी मदर की जो कि उनको बहुत प्यार से सुलाती थी जब भी भी ऐसा कुछ होता था क्लियर तो ये कंप्लीट उनकी जो है एक्सपीरियंस है कि उनको एग्जैक्टली रेन ड्रॉप्स के साथ जब भी रेन गिरती है रेन ड्रॉप्स फॉल होती है तो वॉट इज दैट कम्स इन टू हिज माइंड वॉट इज हिज एक्सपीरियंस वाई ही लाइक्स रेन ड्रॉप्स एंड ऑल्सो क्यों ये सब चीजें जो है उनके दिमाग में?

उनके दिमाग में वो सारी मेमोरीज ले आते हैं जो कि यू नो उनके चाइल्डहुड से रिलेटेड हैं यंगर डेज से रिलेटेड हैं ऑल्सो उनकी उनकी मम्मा की उनकी मदर की उनको याद आ जाती है जब भी भी वो रेन ड्रॉप्स का साउंड सुनते हैं एंड ही फील्स इट्स अ ब्लेसिंग कि बाहर यू you नो know, बारिश हो रही हो और वो जो साउंड है वो सुनते सुनते वो अपने रूम में सो रहे हों सो दीज आर द एक्सपीरियंसिस जो कि वो बताते हैं रिगार्डिंग कि जब भी भी रेन ड्रॉप्स फॉल होती हैं या जब भी भी रेनफॉल होता है वॉट इज दैट यू नो ही कैन एक्सपीरियंस ऑल्सो जैसे जैसे रेन ड्रॉप्स का जो साउंड है वो सुनाई